ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से कभी भी किसी समाज को नहीं आंकना चाहिए, समाज को समाज की दृष्टि से आंकना चाहिए। पोखरण में किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप? देखिए, पोखरण में मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, पोखरण की जनता तैयारी कर रही है। मुद्दों को लेकर के नहीं लड़ते हम लोग, हम तो राष्ट्रवाद को लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। मैं तो मेरे उद्देश्य को देखता हूँ और मेरे कर्म को देखता हूँ। यहाँ पर महंत प्रतापपुरी महाराज जी भी हमारे साथ है। महंत जी, क्या कहना चाहेंगे? कई लोग आपकी इस उपस्थिति को सियासी रूप से भी देख रहे हैं यहाँ पर। नहीं, सियासी रूप से तो देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो छात्र धर्म का जो पालन करने वाले उनको विजयदशमी पर मंगल कामना करने आया था, और ये हमारी परंपरा रही है संत की कि हम इनके लिए आशीर्वाद करते रहें। ठीक है। और इस समाज के अंदर जो गुण है वो यही है कि ये सबको लेके चलते हैं, और आज पूरे शहर में हमने देखा कि सभी जातियों ने छात्र धर्म के पालन करने वाले इनको फूल वर्षा करके स्वागत किया। मैं ये मंगल कामना करता हूँ कि ये परंपरा आप अक्षुण रखें, सबके साथ चलें, सबको साथ लेकर चलें। जी, ये समाज जो है, जैसा कि आपने कहा, सबको साथ लेकर चलता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि भाजपा इस बार इस समाज को साधने में कामयाब होगी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से कभी भी किसी समाज को नहीं आंकना चाहिए, समाज को समाज की दृष्टि से आंकना चाहिए, और समाज का योगदान एक दूसरे समाज के साथ कैसा रहना चाहिए इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हम सब लोग जो हमारी समाज की रचना है, सभी समाजों की जो रचना हमारी परम्परा है, सनातन परम्परा, उसमें यही है कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के साथ ही हैं, इसलिए हम साथ ही में ही रहेंगे सब लोग। पथ प्रेरणा यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप युवाओं को? ये पथ प्रेरणा यात्रा हमें बहुत पथ प्रेरणा देती है, और मैं ये कामना करता हूँ कि जो महापुरुष हमें बता गए उस पथ पर हम चलते रहेंगे और आगे हमारा उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। एक अंतिम सवाल, पोखरण में किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप? देखिए, पोखरण में मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, पोखरण की जनता तैयारी कर रही है। पोखरण की जनता जो तैयारी करेगी उस पर हम अनुसरण करेंगे। क्या कुछ मुद्दे होंगे पोखरण में इस बार चुनावी साल? मुद्दे पोखरण के अंदर ऐसा कोई मुद्दों को लेकर के नहीं लड़ते हम लोग, हम तो राष्ट्रवाद को लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 साल के अंदर भारत का जो विकास किया और विश्व शिखर पर ले जाने में अग्रगण्य हुआ, आम नागरिक भारत का जानता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह बढ़ी है। हम किसी व्यक्ति को लाभ नहीं दे करके हम राष्ट्र को लाभ देने के लिए प्रेरणा करते हैं। हमारे मुद्दे यही है कि हम किसी व्यक्ति को लाभ देने की नहीं सोचेंगे, हम तो राष्ट्र को कैसे लाभ दें, राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाएं, राष्ट्र को मजबूत करें। किसी व्यक्ति को मजबूत करने से पहले हम राष्ट्र को मजबूत करेंगे तो व्यक्ति अपने आप मजबूत हो जाएगा। हमारा मुद्दा एक ही है, राष्ट्र मजबूत हो, हम सब लोग मजबूत होंगे। सर, आपने कांग्रेस की जो 2 सूचियां आई, 76 नाम आ गए, उसको देखा होगा, क्या लगता है कैसी सूची आई है? आपको लगता है टक्कर के लोग उतारेंगे? मैं तो मेरे उद्देश्य को देखता हूं और मेरे कर्म को देखता हूं, और मैं मेरे कर्म और उद्देश्य के पर ही चलने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। तो ये थे महंत प्रतापपुरी महाराज, जो कि आज यहाँ पथ प्रेरणा यात्रा पर राजपूत समाज के इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, और इन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुद्दों को नहीं राष्ट्रवाद को लेकर चलती है। आप देख रहे थे DCN लाइव बाड़मेर, कैमरामैन राजेंद्र के साथ संवाददाता मनोज पांडे।